सूचना संबंधित एक बड़ी खबर, एक खुशखबरी कह सकते हैं, सामने आ रही है, जिससे कि आप लोगों की जो बहाली है बीटेट, सीटेट और एसटीईटी अभ्यर्थियों की बहाली इसी वर्ष आरंभ हो सकती है, इसी वर्ष यानी कि जुलाई या फिर अगस्त में सातवें चरण की बहाली का जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, अधिसूचना है, जारी हो सकती है। ऐसा जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने कल अपने एक इंटरव्यू के दौरान भी इंटरव्यू या फिर कह सकते हैं कि जनसुनवाई कार्यक्रम में जब उनसे पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि रिक्तियां मिलते ही सातवें चरण की जो बहाली है, प्रक्रिया है, उसको शुरू कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लेटेस्ट अपडेट जानेंगे सातवें चरण में क्या कुछ चल रहा है, साथ ही छठे चरण के अभ्यर्थियों के लिए भी क्या बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अखबारों की माने तो देखिए, जनसुनवाई कार्यक्रम कल था, मुख्यमंत्री भी वहाँ पर मौजूद, सॉरी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे और जो बाकी मंत्री थे उन्होंने जिलों से आए हुए लोगों की समस्या का जो है निराकरण किया था। तो वहीं प्रदेश जदयू मुख्यालय में ये जो जनसुनवाई कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने, पत्रकारों ने भी भाग लिया और जनसुनवाई के दौरान ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी होने के कगार पर है। इसके पूरा होते ही सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सभी जिलों से रिक्तियां मांगी गई हैं और उसके अनुरूप हम जल्द ही सातवें चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको आरंभ करेंगे। तो देखिए, छठे चरण की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं कि 28 जुलाई को पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, सिक्स फेज क्लोज हो जाएगा, जब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो इसलिए शिक्षा मंत्री ने यह चीज़ कहा कि ये नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी होने के कगार पर है और रिक्तियां आप लोग जानते हैं कि मांगी जा रही हैं, लेकिन ये रिक्तियां केवल प्रारंभिक की अगर बात करें तो यानी 1-5 और 6-8 यानी मूल कोटि और स्नातक कोटि के जो शिक्षक हैं उनकी रिक्तियां मांगी गई हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़, ये सवाल खड़ा होता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की नियुक्ति के लिए सरकार रिक्तियाँ कब मांगेगी। तो क्या इस बार केवल प्रारंभिक का विज्ञापन आने वाला है 7th फेज में या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक का भी उसके साथ ही आएगा, इस सवाल पर अभी कोई भी जो जवाब है शिक्षा मंत्री या फिर शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी की तरफ से नहीं आया है। तो आज के अखबारों की यदि हेडलाइंस की आप बात करेंगे तो हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जल्द ही जो है 7th फेज की बहाली की अधिसूचना जारी करेगी सरकार। हर जगह यही जो हेडलाइन है इसको मुख्यतः प्रकाशित किया गया है, क्योंकि कल ही शिक्षा मंत्री बहुत दिनों बाद 7th फेज पर बोलते हुए नजर आए थे, जो वीडियो हमने आपको दिखाई भी थी जिसमें उन्होंने कहा कि संभवतः 6th फेज क्लोज होने वाला है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है 6th फेज से ही नव नियुक्त शिक्षकों के लिए, वह ये है कि एक बड़ा पत्र जो है जारी हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा और ये निर्देश के बाद यानी कि एक समीक्षा बैठक की गई थी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की ने, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह एवं जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं रवि प्रकाश उनके साथ और भी अधिकारी से एक समीक्षा बैठक की, जिसमें छठे चरण के नव नियुक्त 42,000 पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। हालांकि जो दीपक कुमार सिंह ने ट्वीट किया उसमें भी आपको विरोधाभास देखने को मिलेगा मिला हालांकि तो कई सारे अभ्यर्थियों ने प्रश्न भी पूछने शुरू कर दिए कि आपके ट्वीट का, आपके जो लेटर है इसका समझ में नहीं आ रहा कि कब तक ये वेतन देने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि इसमें मार्च 2023 तक वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया। तो अभ्यर्थियों में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि भाई सितंबर 2022 तक ही डॉक्यूमेंट्स का जो सत्यापन है वह होना है, तो मार्च 2023 का अब ये नाम क्यों लिया जा रहा है। तो जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं रवि प्रकाश, उन्होंने इन सारे ही सवालों को बड़ी डिटेल में क्लियर करते हुए लगातार ट्वीट्स भी किए, अभ्यर्थियों के सवालों को जवाब भी दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों ही जो काम है यानी कि सातवें चरण के लिए आप लोग जानते हैं कि धरना प्रदर्शन चल रहा है तो उसके लिए भी सरकार कह रही है कि जल्द हम कर देंगे, और दूसरा वेतन निर्धारण के लिए भी यदि आप आज के अखबारों को देखेंगे तो यही लिखा है कि छठे चरण में नियुक्त 42,000 शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन। तो ये जल्द शब्द का प्रयोग देखिए बहुत ज़्यादा बिहार में हो रहा है, खासकर शिक्षक बहाली और वेतन भुगतान को लेकर। और ये जो वेतन भुगतान की बात है ये 2 जून का आप लोगों को ट्विटर आंदोलन, ट्विटर कैंपेन याद होगा जिसमें वेतन संबंधित जो है हैशटैग यूज़ किया गया था कि वेतन दो बिहार के टीचर्स को, तो ये उसी का असर है यहाँ। और साथ ही जो बार बार अभ्यर्थीगण जो है नेता सब लोग मिलकर जाते हैं, सचिवालय भी जा रहे हैं, वेतन के लिए मांग पत्र दे रहे हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों का असर है कि सरकार ने आनंद फानंद में ये लेटर निकाला है। और ये तो सारी चीज़ें मतलब जो भी लेटर में लिखी गई है हमको पहले से ही पता है कि भाई 30 सितंबर तक ये सत्यापन का कार्य होना है, उसके बाद जो है वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन फिर से इन चीज़ों को चलिए संज्ञान में लाकर एक बार क्लियर किया गया है। अब क्या होगा कि जो नगर नियोजन इकाइयाँ हैं, जो पंचायतें हैं, सभी अपनी अपनी तरफ से लेटर जारी करेंगी कि भाई मास्टर डेटा सर्विस प्रूफ वगैरह सबमिट करनी है। तो ये एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं विभाग के द्वारा दोनों ही मामलों में, चाहे 7 फेज की अधिसूचना की बात कर लें या फिर वेतन भुगतान की बात करें, दोनों ही चीज़ें ये एक तरह से अच्छी हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। एक और बड़ा लेटर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग के द्वारा जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने, देखिए जो प्रेषक है रवि प्रकाश ही हैं, और उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी GPO DEO को ये लेटर लिखा है, जिसका विषय है कि नव सृजित पुनर्गठित नगर नियोजन इकाइयों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये सूचना उपलब्ध कराने के लिए देखिए एक फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि कितने पंचायतवार कुल रिक्तियाँ कितनी हैं, कितने शिक्षक कार्यरत हैं, उसके बाद वर्तमान में अभी आवेदन की स्थिति है या नहीं। तो ये सारी सूचना जो है मांगी गई है। शिक्षा पदाधिकारी जो जमुई के हैं GEO, उनके कार्यालय से एक लेटर जो है जारी हुआ है, जिसमें आदेश दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र का विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। देखिए अभी तक ये जो पोर्टल पर अपलोडिंग का कार्य है वह कार्यरत ही है, वह चल ही रहा है, सभी तो इन्होंने जो BEO हैं उनको, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं जो सहयोग स्टाफ है उनको ये 8 जून 2022 के पूर्वाह्न 10 बजे अनिवार्य रूप से योगदान हेतु विरमित करना सुनिश्चित करने की बात भी कही है, और सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं अपने साथ लैपटॉप के साथ यहाँ पर योगदान करना है। तो इन चीज़ों के लिए भी देखिए लेटर लगातार जारी हो रहे हैं, यानी शिक्षा विभाग एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ चुका है। सबसे मेन बात यहाँ पर यही है कि 7वें चरण की बहाली के लिए जो रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं वह केवल प्रारंभिक ही हैं, 1 to 5, 6 to 8 की हैं। तो माध्यमिक के लिए क्या होने वाला है, माध्यमिक का धरना भी चल रहा है, आप लोग जानते हैं कि SCD अभ्यर्थियों का जो आमरण अनशन हम कह सकते हैं या फिर जो आंदोलन है अनिश्चितकालीन है, तो वह भी चल रहा है। उसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कोई भी क्लियर स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, क्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली ये नोटिफिकेशन के अलग से जारी करेंगे या फिर प्रारंभिक की ही, क्योंकि प्रारंभिक के साथ ही होगा, क्योंकि साल 2019 में हमने देखा था कि जब बहाली का विज्ञापन आया था तो उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का पहले आया था और उसके एक दो दिन बाद ही शायद प्रारंभिक की जो बहाली है उसकी अधिसूचना जारी की गई थी। तो लेकिन इस बार ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र प्रारंभिक अभ्यर्थियों को दिया जा चुका है और अब 28 जुलाई को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को मिलेगा। तो एक तो ये इतना लंबा गैप इन्होंने किया है बहाली प्रक्रिया को अंजाम देने में, तो उसके बाद फिर क्या ये 7 फेज को भी ऐसे ही करेंगे कि प्रारंभिक का जो नोटिफिकेशन है वह पहले आ जाएगा और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का देर से आएगा। तो इस पर अभी भी कन्फ्यूजन लगातार बनी हुई है, लगातार यही सवाल जो है मन में उठ रहा है अभ्यर्थियों के कि भाई प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों की ही बात, दोनों की ही रिक्तियां जो है विभाग के द्वारा क्यों नहीं मांगी जा रही हैं। लेकिन प्रारंभिक अभ्यर्थियों के लिए तो ऐसा लग ही रहा है कि जुलाई या फिर अगस्त में जो विज्ञापन है वह जारी कर देगी सरकार। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि उनके बारे में कोई रिक्तियां कैलकुलेशन